टीम अभय न्यूज चैनल में आपका अभिनंदन। आइए भारत के बहुजनों, आप भारत की बहुजन यात्रा में ले चलता हूं महाराष्ट्र। महाराष्ट्र और वहां आपकी मुलाकात कराता हूं भारत के एक महान संत, क्रांतिकारी सामाजिक संत, अकेले गाना गाने वाले संत नहीं, गुलामी नहीं, गुलामी में करने वाले आज के जैसे जो संत महात्मा ढकोसले बाद झूठे मकार संत नहीं, क्रांतिकारी सामाजिक संत चोखा मेला, जो समाज का दर्द कहने वाले संत, जो बुद्ध और उन्हीं की विचारधारा, कबीर रैदास की विचारधारा में 13वीं-14वीं शताब्दी में ले चलता हूं मान्यवर आपको। 14वीं शताब्दी में जन्म हुआ महाराष्ट्र के बुलढाणा जिले के मेहना राज गांव में, मेहना राजा गांव में उनका जन्म हुआ, चोखा मेला का। और वो रहते थे, जहां रहते थे उस गांव का नाम था मंगलबेड़ा, मंगलबेड़ा। साथियों, महार जाति में पैदा हुए और जाति प्रथा जिस तरह से ब्राह्मणवादी कहते हैं जो जाति है, जो जिस तरह गांधी कहते थे वर्ण, जो जिस जात की है उस जाति में काम करेगा, वही तो आरएसएस का प्लान है। और वही तो क्या करें, उस समय की व्यवस्था में महार जाति में पैदा हुए तो उन्हें मरे हुए जानवर उठाने पड़ते थे, अच्छा नहीं लगता था, बात बात में उन्हें अपमान सहना पड़ता था। बात वो बड़ी सटीक कहते थे, जब ज्यादा बात सटीक कहते थे तो अपमानित होते थे, लेकिन उनका जो हृदय था वो कवि हृदय था, बड़े धर्म भीरु। तो आज हमारे SC ST OBC के सारे को धर्म के चक्कर में तो गुलाम हो रहे हैं, सब कुछ इनका लूट लिया जा रहा है, सब कुछ लूट रहा है, फिर भी धर्म भीरु हैं भारत के 100 करोड़ से ज्यादा बहुजन नायक, तो वो भी धर्म भीरु थे, भगवान ईश्वर को खोजने के चक्कर में, मिलता तो था नहीं ईश्वर, मिला कभी नहीं, भगवान के दर्शन के चक्कर में एक दिन चले गए पंढरपुर, जो महाराष्ट्र में एक मंदिर माना जाता है उनका, ब्राह्मणों का वो मंदिर, जिनको रमाबाई ने कहा बाबा साहब मुझे पंढरपुर ले चलो, तो बाबा साहब कहते नहीं रमाबाई, मैं पंढरपुर तुम्हें नहीं ले चलूंगा, मैं हमारा पंढरपुर स्वयं बनाएंगे, अपना बहुजनों का पंढरपुर बनाएंगे। और रमाबाई को बाबा साहब पंढरपुर नहीं ले गए, रमाबाई चली गई, लेकिन बाबा साहब को वो याद थी बात, रमाबाई की बात याद थी, कहते मैं हिंदू पैदा तो जरूर हुआ लेकिन मरूंगा नहीं हिंदू। और उन्होंने 14 अक्टूबर 1956 को बुद्ध धर्म अपना करके बुद्ध की शरण में चले गए। साथियों, उसी पंढरपुर के मंदिर में चोखा मेला जी 13वीं शताब्दी में गए, बवाल हो गया, नहीं हम तो भगवान को मानते, भगवान को मानता है, पंडितों ने पीटा और बाहर फेंक दिया। जब बेइज्जती हुई धर्मवीर बाबावेश, लेकिन वहां हुई पिटाई, भगवान के दर्शन करने के चक्कर में पिटे, और बाद में पंडितों ने उन पे लगा दिया चोरी का इल्जाम लगाया हमारे महापुरुषों पे, चोखा मेला। अब बड़ा गहरा आघात लगा, बड़े संवेदनशील हृदय के थे, उनकी पत्नी का जो नाम था वो था शोभराबाई, पति पत्नी दोनों कवि हृदय,
पद गाते थे, उस समय के पद गाते थे, उन पदों में जो गाते थे उनमें विद्रोह की भावना अब जाग उठी, क्योंकि जब पंडरपुर गए ईश्वर से मिलना हो वहां पर लते आए गए। हमारे एससी एसटी ओबीसी के कितने लते आए जाते हैं, भारत का राष्ट्रपति को लते आया ही तो गया नहीं, जब वहां पे कुछ नहीं दिया तो क्या लते आना नहीं तो क्या है, ये समझ में नहीं आती ना बात। भारत का प्रथम नागरिक, उसकी तक बेइज्जती हुई, कोविंद जी की बेइज्जती हुई, शंकराचार्य ने कर दी, शूद्र है ना। साथियों बहुत सारे नेताओं की बेइज्जती होती है, समझ में नहीं आती बहन को, बाबा साहब की बात समझ में आती नहीं ना। ये तो फिर क्या हुआ, फिर उनको गुस्सा आया, छुआछूत से चिढ़ थी, आडंबर से चिढ़ थी, फिर उन्होंने काम कहते क्या है, आखिर मैं तुम्हारी सत्ता क्यों मानूं, ईश्वर को प्रश्न किया। उनके पदों में विरोध का स्वर तब झलका, मैं तुम्हारी सत्ता क्यों मानूं, मैं तो तुमसे मिलने गया था और वहां पे लते आया गया, चोखा मिला जी के पद है। साथियों उन्होंने कहा, एक पद में कहा, एक पल मान भी लिया जाए कि अछूत होते हैं, चलो भाई बॉडी है, अनटचेबल्स अनटचेबल, मान भी लिया जाए कि देह अशुद्ध होती है, लेकिन मन तो शुद्ध है, मन तो शुद्ध है। बुद्ध की वाणी कहते हैं, मनोपमंगमो धम्मो मनोसेट्टा मनोमया मनसा जा पदठेनी भासति वा करोति वा ततो न दुःखं मनवेति चक्को वा वहतो पदम। बुद्ध, सभी मन से चीजें होती हैं, अच्छे मन से करोगे, अच्छे कार्य से करोगे, अच्छे परिणाम होंगे, बुरे मन से काम करोगे, बुरे परिणाम होंगे। मन चंगा तो कठौती में गंगा, ये रैदास गुरु कहते हैं। उसी बात को चोखा मेला जी कहते हैं, देह अशुद्ध हो सकती है लेकिन मन तो शुद्ध है मेरा, मुझे क्यों निकाला। साथियों जीवन भर चोखा मेला, चोखा मेले की पत्नी सोवरा और उनके पुत्र कर्म मेला, कर्म मेला जो थे, चोखा मेला के पुत्र कर्म मेला ने तो ब्राह्मणवादी व्यवस्था के खिलाफ युद्ध ही छेड़ दिया, ऐसा सामाजिक युद्ध छेड़ा कि अछूतों की स्थिति पे ईश्वर को कटघरे में रखा। उन्होंने कहा भाई जितने जो शेड्यूल कास्ट हो गए, हम लोगों की कर्म मेला ने यहां तक कहा कि हमारे शूद्रों की स्थिति की, अछूतों की स्थिति का जिम्मेदार है ना जो आर्थिक और ये सामाजिक स्थिति, इसकी बेइज्जती का जिम्मेदार ईश्वर है, तुम ही जिम्मेवार हो, तुम ही जिम्मेवार हो, तुमने ही हमें इन जाति में पैदा किया है, और अगर मेरे जीवन में कोई भी अभाव है तो वो उसकी जिम्मेदार तुम हो, तुम हो, तुम हो। कर्म मेला उनके पर, और इसके लिए ईश्वर को लज्जा आनी चाहिए, इसके लिए ईश्वर को शर्म आनी चाहिए, ये बात उनके पुत्र चोखा मेला के पुत्र कर्म मेला ने कही। साथियों कर्म के दूत हैं, कर्म की संस्कृति है, न जच्चा वशलो होती न जच्चो होती ब्राह्मणो कम मुना वशलो होती कम मुना होती ब्राह्मणो, ये बुद्ध की वाणी है। कर्म से ब्राह्मण होता है, न जच्चा वसलो होती न जच्चा होती ब्राह्मणो कम मुना वसलो होती कम मुना होती ब्राह्मणो। कर्म की संस्कृति के अपनाने वाले लोग रैदास कबीर फूले चोखा मेला और उनके पुत्र, उनका नाम रखा कर्म मेला। कर्म मेला ने कहा ईश्वर को लज्जा आनी चाहिए, ईश्वर ही जिम्मेदार है, और चोखा मेला और का परिवार जो है काव्य रस में, उनकी पत्नी सोवेरा, उनके बच्चा कर्म मेला, ये देखो किस तरह से कविताएं कहते हैं। 1338 ईस्वी में एक कंस्ट्रक्शन का काम हो रहा था, वहाँ काम वहाँ हो रहा था, उस पर गिर गया उनके शरीर के ऊपर और उसमें दब करके चोखा मिला की मृत्यु हो गई। साथियों मैंने महाराष्ट्र के कवि, क्रांतिकारी कवि, संत नहीं, क्रांतिकारी, सामाजिक क्रांति के क्रांतिकारी महान संत चोखा मेला से परिचय कराया। अगर आपको अच्छा लगा हो तो आप इसको
अगर अच्छा लगा है तो धन्यवाद, और आप इसको कम से कम 10 लोगों में जरूर भेजें। अभय न्यूज चैनल का बहुत बहुत शुक्रिया। जय भीम, जय भारत।